जयपुर में परकोटा इलाके में 13 मई 2008 को हुए सिलसिलेवार 8 बम धमाकों के मामले में विशेष अदालत ने शुक्रवार को चारों आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई है। इससे पहले गुरुवार को उनकी सजा पर बहस हुई। सरकारी वकील ने इसे दुर्लभतम मामला माना और मोहम्मद सैफ सरवर आजमी सुरफरमान और मोहम्मद सलमान को फांसी की सजा सुनाने की मांग की। 11.5 साल पहले हुए इन धमाकों में 71 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 185 जख्मी हुए थे। इससे पहले अदालत ने बुधवार को बम ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों में से शहबाज को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था जबकि चारों को 8 जगहों पर सिलसिलेवार बम ब्लास्ट करने, आपराधिक षड्यंत्र और अन्य अपराध में दोषी करार दिया था। 13 मई 2008 को परकोटे में 8 जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इनमें 71 लोगों की मौतें हो गई थी और 185 घायल हो गए थे। कोर्ट ने सीरियल ब्लास्ट के लिए आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन को जिम्मेदार माना था। बाटला मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकियों को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया। आतिफ अमीन को ब्लास्ट का मुख्य साजिशकर्ता करार दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि विस्फोट के पीछे जेहदी मानसिकता थी। यह मानसिकता यही नहीं थमी, इसके बाद अहमदाबाद और दिल्ली में भी विस्फोट किए गए। कोर्ट ने मोहम्मद सैफ सुरफर रहमान सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोट अधिनियम के तहत दोषी पाया था। दो गुनाहगार दिल्ली में बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। कोर्ट में सजा पर बहस के दौरान दोषी गिड़गिड़ाए थे। सबसे पहले मोहम्मद सैफ की सजा के बिंदुओं पर बहस हुई थी। बचाव पक्ष के वकील ने कहा था कि दोषी युवा है, अच्छी फैमिली से है, पूरे परिवार का बेदाग बैकग्राउंड है, कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है, 11 साल जेल में बिता चुका है और उसके खिलाफ कोई सीधा साक्षी भी नहीं है। एमए फाइनल ईयर का स्टूडेंट रहा है, वह अच्छी नौकरी कर रहा था, वह किसी गलत संगठन का सदस्य भी नहीं है, लिहाजा रियायत दी जाए। सरवर आजमी के सजा पर चर्चा करते हुए वकील ने कहा कि 19 मई 2008 को यह बीई की परीक्षा दे रहा था जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ है। सरवर के पिता और भाई डॉक्टर हैं, वह 11 साल जेल में बिता चुका है, इसलिए रियायत दी जाए, जिसके बाद सुरफर रहमान की सजा पर बहस कर रियायत देने की मांग की गई। सलमान के पक्ष में वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के वक्त वह नाबालिग था, जुवेनाइल कोर्ट ने भी उसे नाबालिग माना था जो फिलहाल हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में उसे बालिग माना जा चुका है। सुरफर रहमान के बचाव में दलील दी कि भाई व पिताजी डॉक्टर हैं, आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, अभी उम्र भी ज्यादा नहीं है। और जो हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त एटमॉस्फेयर चल रहा है, पूरा एजिटेशन चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह, उसका भी शायद उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, इसलिए डेफिनेटली हाईकोर्ट। वैसे तो ये डेथ सेंटेंस जो होता है इनको तो राइट नहीं होता, इनको रेफर करना पड़ता है, रेफरेंस है हाईकोर्ट के अंदर, तो मंडे को ये भेजेंगे तो हाईकोर्ट हमें सुनेगा इस पॉइंट के ऊपर कि डेथ सेंटेंस दिया, सही दिया या नहीं दिया। लेकिन आपने जिस तरह से चारों दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा हुई है, क्या चारों दोषी फांसी के लिए की जरूरी थी उनको, या फिर उनको और भी? अरे साहब, एक तो मैंने आपसे कहा था कि सलमान जो है उसको तो जुवेनाइल बोर्ड ने तय कर दिया कि ये 15 साल 7 महीने का था, 13/5/2008 को जुवेनाइल बोर्ड तय कर चुका है जयपुर का, और वो उसको लिए हमने कहा कि उनको पता है, इस बात का एविडेंस में भी ये बात आ चुकी है, जजमेंट हमने पेश किया उनके सामने कि जुवेनाइल बोर्ड जब तय कर चुका कि 15 साल 7 महीने कहा था तो उसको तो अलग करना चाहिए था, उसके लिए डेथ सेंटेंस देना वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्लियर कहता है और जुवेनाइल एक्ट यह कहता है कि 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकते, उसको तो इमीडिएटली एक्विटल करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, वो भी नहीं है, उसको भी नहीं। अपने फैसले में क्या कुछ कहा, क्योंकि अभी जजमेंट की कॉपी हमें मिलेंगी, कोई टिप्पणी की होगी? कोई टिप्पणी नहीं की, बस उन्होंने तो सजा सुना दी अभी। अच्छा, और टेरिस मान लिया, टेरिस के लिए मैं बताऊं आपको, एक टेरिस के लिए बहुत मजेदार बात यह है कि ईमेल करने वाला जो है शाहबाज, वो ये कहता है कि इंडियन मुजाहिदीन शाहबाज को मेन मुलजिम बनाया गया और उसको बरी कर दिया, उसी एविडेंस के बेसिस पर इनका कन्विक्शन हो गया, इनको टेररिस्ट मान लिया, कैसे हो सकता है ये? एक को तो आप बरी कर रहे हैं उसी ग्राउंड के ऊपर, उसी एविडेंस के बेसिस पर, और दूसरों को सजा दे रहे हैं आप, ये क्या है? ये तो आप चीजें हैं। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।